खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राजभवन में होली के अवसर पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग ने भागीदारी कर राज्यपाल को होली की बधाई दी। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल ने भी सभी लोगों से मिलकर होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि रंगों का यह त्योहार एकता, आपसी सद्भाव और सामाजिक समरसता का संदेश है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख शांति और समृद्धि के साथ खुशहाल जीवन की कामना की। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। होली हमारा रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और होली में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि होली के रंगों की तरह हर खुशियों के रंग सबके जीवन में आए, भगवान सब पर कृपा करें, हर प्रकार के कष्टों से दूर रखें और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, उसमें भी इस होली में हम सबका योगदान सुनिश्चित हो, इस संकल्प भी हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि इस बार की होली के त्योहार के साथ साथ ये लोकतंत्र का भी त्योहार है और लोकतंत्र के त्योहार में जिस प्रकार का आज एक वातावरण निर्मित हुआ है पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, कि हर एक व्यक्ति लोकतंत्र के महापर्व के मतदान के दिन का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि हम इस बार फिर से तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान करें, अपना योगदान दें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें।